गुड इवनिंग एवरीवन. नेहा दिस साइड, योर फेविक्रिल एक्सपर्ट टीचर. सो टुडे वी आर डूइंग एक्रिलिक पेंटिंग. ऑलराइट, सो वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स सो दैट एवरीवन टू लॉग इन एंड देन वी विल स्टार्ट आवर वर्कशॉप. Can you hear me? And I hope the camera is visible to all. Hello, Shruti ma'am. Okay, I can see the comments now. Fine. So, can you hear me? I'm just waiting for the confirmation and for some other members also to log in, and then we will start. Okay. Okay. I've sent the tracing. मैंने आप सबके पास एक डिजाइन शेयर किया था फॉर पेंटिंग व्हाट वी आर डूइंग टुडे. ठीक है. आई होप आप सबने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया होगा बिकॉज आज हम वही पेंटिंग बनाने वाले हैं. राइट. Now, first of all, to prepare the base, I'm taking this MDF. ठीक है. What you have to do, आपको बेस प्रिपेयर करने के लिए आप अगर आप कैनवस के ऊपर वर्क कर रहे हैं आप कैनवस ले सकते हैं. आप अगर MDF पर वर्क कर रहे हैं आप MDF भी ले सकते हैं. कैनवस पैड्स भी ले सकते हैं. आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं. ठीक है. आप कुछ भी कोई भी आप बेस ले सकते हैं टू वर्क. राइट. नाउ द फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है. वी हैव टू टेक 3 कलर्स. आई एम टेकिंग क्रोम येलो. ठीक है. देन द सेकेंड आई एम टेकिंग ऑरेंज और थर्ड मैं कलर दे रही हूँ व्हाइट. ठीक है. हमें 3 कलर्स से अपना बेस को रेडी कर रहे हैं. बट टू बी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो बेस मैं आपको बता रही हूँ वो बेस अगर आप नहीं करना चाहते हैं. ठीक है. अगर आप व्हाइट रखना चाहते हैं अपनी पेंटिंग का बेस तो आप व्हाइट रख लीजिएगा. ठीक है. दिस इज नॉट कंपल्सरी दैट आपको वो बेस 3 कलर्स का लेना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू हमें अपने बेस के अंदर ना देखो कभी भी हमें पेंटिंग करनी होती है ना तो हमें हमेशा से लाइट कलर का बेस रखना होता है. ठीक है. सो हमें ज्यादा तो इसके अंदर येलो करना है और व्हाइट करना है. ऑरेंज हम इसलिए कलर करेंगे बिकॉज ऑरेंज से क्या होता है ना वो टेंच अच्छा आ जाता है. ठीक है. बट एज आई टोल्ड यू कि ये कम्प्लीटली आपके विषय कि आपको बेस का कलर व्हाइट ही रखना है या आपको बेस के अंदर ऑरेंज येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन देना है. सो दिस इज कम्प्लीटली योर विश. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विद आई विल टेक येलो. आई एम टेकिंग दिस क्रोम येलो. ठीक है. क्रोम येलो के मैं स्ट्रोक्स कहीं कहीं पर आई विल जस्ट गिव स्ट्रोक्स लाइक दिस जस्ट हियर एंड देयर रेंडमली. आप कहीं पर भी इसके स्ट्रोक्स दे सकते हैं. राइट. एंड देन आई जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ ये ऑरेंज जस्ट अ लिटिल बिट बिकॉज एज आई टोल्ड यू मुझे ऑरेंज ज्यादा नहीं चाहिए एंड ऑल्सो आई नीड वॉटर. ठीक है. क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हमें कलर की मर्जिंग करनी होती है जब भी हमें कलर जो है मिक्स करना है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारा कलर वेट रहना चाहिए. ठीक है. सो आई एम जस्ट डिपिंग द ब्रश. ठीक है. जिसके अंदर ऑरेंज मैंने बिल्कुल टिप पर ऑरेंज लिया था एंड आई जस्ट सिंपली रोल इट ओवर हेयर लाइक दिस. सो हियर एंड देयर कहीं कहीं पर मेरा ऑरेंज और येलो आएगा. सो जहां पर ऑरेंज है वहां पर मैं थोड़ा थोड़ा येलो और लगा रही हूँ जैसे कि क्योंकि मेरे अगर बेस मेरा डार्क होगा राइट तो मैं पेंटिंग के ऊपर कुछ भी कलर करूंगी तो वो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी इवन फॉर ट्रेसिंग एज वेल. ठीक है. सो अभी मैंने क्या किया मैंने ऑरेंज और येलो लिया था. नाउ आई एम टेकिंग व्हाइट ऑल्सो बिकॉज एज आई टोल्ड यू बेस मुझे लाइट चाहिए बट इफेक्ट अच्छा चाहिए. सो आई एम टेकिंग दिस
white as well. So here and there I'm just giving strokes of white. साइड्स पर आप जो भी आप पेंटिंग कर रहे हैं साइड्स के अंदर आप ऑरेंज कलर को ज्यादा ले सकते हैं बिकॉज साइड्स के अंदर हम ऑरेंज नहीं कर रहे हैं. साइड के अंदर हमारा डिजाइन नहीं आएगा तो हम साइड में ऑरेंज ज्यादा ले सकते हैं राइट. बट सेंटर के अंदर आपको लाइट ही लेना है. सो दिस विल बी द इफेक्ट राइट. आई होप इट इज विजिबल. अगर आप नहीं चाहते हैं आपको अपनी पेंटिंग के अंदर ऐसे इफेक्ट नहीं देना है बैकग्राउंड के अंदर बेस में नहीं देना है तो आप प्लीज सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर का बेस दे सकते हैं ठीक है. व्हाइट कलर के ऊपर आप काम कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट एट ऑल कंपल्शन. नाउ लेट मी शो यू. मैंने आपको ट्रेसिंग के लिए भी बताया था राइट कि हमें ट्रेसिंग कैसे करनी होती है. मैंने आपको ग्रुप के अंदर एक वीडियो शेयर करी थी फॉर ट्रेसिंग. जो भी आपका बेस होता है राइट सपोज यू आर वर्किंग ऑन कैनवस ठीक है. कैनवस के ऊपर आपको जो भी आपने ट्रेसिंग लिया है ट्रेसिंग लेने के बाद आपको उस ट्रेसिंग को कार्बन पेपर के ऊपर लगाना है. एंड ऑलवेज यूज येलो कार्बन. पेंटिंग्स के ऊपर ना हम लोग येलो कार्बन यूज करते हैं बिकॉज क्या होता है ना अगर आप ब्लू कार्बन लेते हैं तो जब आप अपना ट्रेस कर रहे होते हैं ना तो जो ब्लू कार्बन होता है उसकी जो इंक होती है ना वो बहुत डार्क होती है ठीक है. तो वो क्या होता है हमारे जो भी शीट है जो भी कैनवस बोर्ड है एमडीएफ पे हम काम कर रहे हैं ना उसके इम्प्रेशंस उस पर भी आ जाते हैं. लेट मी सी अगर मेरे पास यहाँ पर मैं ओके मैं आपको ब्लू कलर से दिखा देती हूँ ठीक है. दिस इज ब्लू कार्बन. अब इस ब्लू कार्बन को अगर मैं अपने किसी भी कहीं पर भी रखती हूँ ठीक है. एंड सपोजिंग भी आई एम जस्ट ड्रॉइंग मैं कुछ भी यहाँ पर एक फ्लावर बना देती हूँ ठीक है. तो जहां जहां पर मैं अपना हैंड रख रही हूँ ना मेरे हैंड के भी इम्प्रेशन यहाँ पर इस पर आ जाएंगे. सो उससे क्या होता है जो मेरी पेंटिंग का जो बेस है ना वो खराब हो जाएगा. सो जस्ट सी आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर के इम्प्रेशन आ गए ठीक है. अभी मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया था फ्लावर पर बट अगर जब हम पेंटिंग पर थोड़ा सा इम्प्रेशन क्या होता है ना जब हम यहाँ पर ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमारा प्रेशर हाथ का आता ही है उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर. तो क्या होता है ज्यादा प्रेशर आने से जो आपकी कलर है ना वो आ जाता है शीट के ऊपर तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है ठीक है. सो ऑलवेज यूज येलो कार्बन. नाउ आई हैव ऑलरेडी डन द ट्रेसिंग पार्ट. आई होप आप सब ने भी ट्रेसिंग कर ली होगी. इन केस नहीं ट्रेसिंग करी है तो एज आई टोल्ड यू कि आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप बेस को बिल्कुल व्हाइट कर सकते हैं ठीक है उसके ऊपर ट्रेसिंग कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज कि आपको जो मैंने येलो ऑरेंज और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बताया है आप ये आप इफेक्ट दे सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेसिंग कर सकते हैं ठीक है. जो ये कलर होता है ना आप इसको लाइट रखिएगा नहीं तो जो आप ट्रेसिंग करोगे ना वो आपको विजिबल नहीं होगी ठीक है. तो अगर आप देखो यहाँ पर जस्ट पुटिंग द शीट ठीक है. आप थोड़ा सा ना साइड पर ना इसे मार्क कर लिया करो. आप थोड़ा सा इसे मार्क करके आप देख सकते हो कि जो आपका कार्बन का है आपको क्या इंप्रेशन दिख रहा है. सो जस्ट सी मैंने साइड पर क्योंकि जब हम फ्रेमिंग करवाते हैं ना कोई भी पेंटिंग तो हाफ इंच उसका फ्रेमिंग के अंदर चला जाता है पार्ट ठीक है. तो अगर मुझे चेक करना है कि मेरी जो ट्रेसिंग है वो विजिबल होगी कि नहीं तो आप ऐसे थोड़ा सा मार्क करके देख सकते हो ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेंटिंग पार्ट ठीक है. देखो आई हैव डन अ लिटिल बिट ठीक है. आपको दिखाने के लिए आई हैव डन अ लिटिल बिट. आई होप इट इज विजिबल ठीक है. तो हमने क्या करना है मैंने यहाँ पर जो इसकी इम्प्रेशन था मैंने यहाँ पर इसकी ट्रेसिंग कर दी थी. आफ्टर ट्रेसिंग अब आपको जो फेस बनाना होता है ना ठीक है. फेस के अंदर क्या होता है कि हम ना पहले से इसकी थोड़ी सी आउटलाइनिंग कर देते हैं. अब ब्लैक से मैंने इसकी आउटलाइनिंग कर दी. अब जब फेस के अंदर मैं कलर करूंगी ना तो आई जस्ट मेक श्योर कि मैं इस लाइन के ऊपर आउटलाइन नहीं करूंगी ठीक है. सेकेंड थिंग जब भी मुझे कोई भी डिजाइन के ऊपर कलर करना है तो मैं उसके अंदर ना पहले मैं आउटलाइनिंग नहीं करती हूँ बिकॉज मैं ब्लैक से आउटलाइनिंग करूंगी बट मैं पहले मैंने आउटलाइनिंग नहीं करी है मैंने सिर्फ सिंपल कलर फिलिंग कर दिया है ठीक है. नाउ कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू ठीक है. इसके अंदर क्या डिफरेंस है यहाँ पर मैंने डबल कोटिंग किया है और यहाँ पर मैंने एक सिंगल कोटिंग किया और यहाँ पर भी मैंने कोटिंग कोई भी कलर किया ही नहीं है. जस्ट टू शो यू द डिफरेंस आप अगर डबल कोटिंग करते हैं तो जो नीचे का जो मेरा बेस का कलर है ठीक है वो विजिबल नहीं होता है. अगर आप सिंगल कोटिंग करते हैं तो कैन यू सी ये आपको बेस का नीचे से कलर नजर आ रहा है. सो इसलिए हमें क्या करना है हमें डबल कोटिंग करनी है ठीक है. नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद दिस रेड पार्ट.
आप ब्रशेस फाइन ले सकते हैं, ठीक है? आप इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन वर्क विद 0 नंबर, यू कैन वर्क विद 1 और 2 नंबर, सो दैट्स कंप्लीटली योर विश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम डूइंग, जो यहाँ पर मैंने जो सेकंड वाला कॉलम किया था इसके ऊपर मैं डबल कोटिंग कर रही हूँ, जस्ट सी, डबल कोटिंग करने से क्या हो जाता है ना, जो बेस का कलर है वो मुझे विजिबल नहीं होगा और हमारी पेंटिंग और ज्यादा नीट लगेगी। आई एम यूजिंग दिस रेड, ठीक है? सिमिलरली आई विल डू द कलरिंग ओवर हियर। फर्स्ट कोटिंग में आपका बेस नजर आता है, तो अब आपको फर्स्ट कोटिंग के बाद जब आपको सेकंड कोटिंग करनी है ना, सेकेंड कोट में आपको पहले वेट करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट कोट है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर फर्स्ट कोट ड्राई नहीं होगा और आप सेकेंड कोट कर देंगे ना, तो वो आपका फर्स्ट कोट भी उतर जाएगा, ठीक है? सो फर्स्ट कोट को अच्छे से आप पहले ड्राई होने देना, उसके बाद ही आपको सेकेंड कोट करना है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है? इसका जो कलर है, ठीक है, पेंटिंग के अंदर जो भी कलर्स हम यूज करेंगे, आई विल शेयर द डिजाइन विद यू, कलरिंग मैं आपको शेयर कर दूंगी। इफ यू वॉन्ट आप सेम कलर कर सकते हैं, इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स, ठीक है? नाउ मैंने आपको एक यहाँ पर भी मैं कर देती हूँ, एंड देन आई विल शो यू कि हमें इसको कैसे करना है। यू कैन टर्न योर पेंटिंग एज पर योर कम्फर्ट, आई होप इट इज विजिबल, ठीक है? आप पेंटिंग को थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, एंड देन यू जस्ट सिंपली स्टार्ट डूइंग इट। सबसे पहले जब भी हम पेंटिंग करते हैं ना, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी आउटलाइन करनी होती है। जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं ना, उस डिजाइन की आप आउटलाइनिंग करेंगे और उसके बाद ही आप उसके अंदर फिलिंग करेंगे। कलर कॉम्बिनेशंस वो आपकी चॉइस है, आप जो भी कलर लेना चाहते हैं आपको ले सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, मैंने यहाँ पर पहले ब्लू कलर किया था, वो मैंने ब्लू कलर इसलिए किया था जस्ट टू शो यू कि जहां जहां पर आउटलाइनिंग होगी, जहां पर दूसरा कलर आ जाएगा, मुझे उसको सिर्फ टच करना, उसकी आउटलाइनिंग करनी है। बिकॉज एट द एंड जब वो सब ड्राई हो जाते हैं, देन वी हैव टू डू दिस विद ब्लैक, ठीक है? बट अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इसके साइड से जहां जहां मेरी मेरे को अपना रेड करना है, आई जस्ट डू इट, आई होप इट इज विजिबल। आई डू द आउटलाइनिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग यू नो कि आपको जब मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो आपको विजिबल रहे। आई एम जस्ट होल्डिंग ब्रश लाइक दिस। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि जब आपका फर्स्ट कोट जो आप कर रहे हैं, जब आपका फर्स्ट कोट ड्राई हो जाएगा, उसके बाद ही आपको सेकेंड कोटिंग करनी है, और उसके बाद जब आपकी सेकेंड कोट भी ड्राई हो जाती है, देन यू हैव टू डू द आउटलाइनिंग पार्ट। अब आउटलाइनिंग के अंदर क्या होता है, अब फेस के अंदर आप आउटलाइनिंग बाद में तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमने फेस की आउटलाइनिंग पहले से ही कर दी है, सो दैट अब जब हम इसके अंदर फेस के अंदर कलर करेंगे ना, तो हमें कलर ऐसे करना है कि फेस जो है हमारा वो विजिबल रहे, ठीक है? नाउ अब हमने जो लेडी की जो बिंदी बनाई है, विल डू द कलरिंग इन बिंदी आल्सो। जस्ट सी व्हाट आई हैव डन, मैंने सिर्फ बिंदी के अंदर कलर किया है, एंड द पोर्शन विच वॉज ब्लैक, मैंने ब्लैक आउटलाइनिंग किया था, ब्लैक को मैंने कवर नहीं किया है, ठीक है? सो दिस इज हाउ आई हैव टू कम्प्लीट इट। अब जैसे ही मेरा ये ड्राई हो जाएगा, ये पार्ट मैंने अभी किया था थर्ड वाला, जब वो ड्राई होगा मैं सिर्फ इसके ऊपर सेकेंड कोट तब करूंगी। एंड नाउ वट आई विल डू, आई जस्ट लीव दिस पार्ट, ठीक है? नाउ अब इसके अंदर जो डिजाइन है मेरा, आप जो सेकेंड में जो रेड कलर कर रही हूँ, आई जस्ट डू ओवर हेयर डिजाइनिंग है, so I'll just do it like this। ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर लगती है, आप इसको घर पर लगाएंगे ना, बहुत ही सुंदर लगती है पेंटिंग, ठीक
ओके आपने क्या करना है, फर्स्ट मैंने ब्लैंक किया, सेकंड में रेड किया, देन अगेन ब्लैंक, देन रेड, एंड नाउ अगेन वन ब्लैंक करके आई विल डू दिस रेड ओवर हियर। ठीक है, नीचे से कुछ आपको सिमेट्री में करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो ऐसे ही सुंदर लगता है लाइक दिस। जिसके अंदर आपको लगता है कि आपको जरूरत है सेकंड कोट करने की, लाइक ये वाला जो बड़ा एरिया है वहां पर आप सेकंड कोट करिएगा। ठीक है, जहां पर लगता है कि सेकंड कोट की जरूरत नहीं है वहां पर आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, जब ये पोर्शन आपका ड्राई हो जाता है, ठीक है, ड्राई होने के बाद हमने इसके अंदर वर्क करना है, बट अभी सबसे पहले हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो सब कंप्लीट कर लेते हैं। सो यू हैव टू वॉश द ब्रश फर्स्ट, अच्छे से आप ब्रश को वॉश करेगा। ठीक है, ब्रश क्लीन करना बहुत जरूरी है, अगर ब्रश क्लीन नहीं होगा ना तो एक कलर दूसरे कलर से मिक्स हो जाएगा और वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। जब भी आप पेंटिंग करते हैं ना हमेशा अपने साथ दो टम्बलर रखिएगा जिससे कि आपका जो ब्रश है वो आप अच्छे से क्लीन कर सके। ठीक है, नाउ आई एम मेकिंग दिस फ्लावर, सो फॉर दिस फ्लावर आई एम टेकिंग सेलमन पिंक। ठीक है, दिस इज एक्रेलिक सेलमन पिंक कलर, सो दिस लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको एक आउटलाइनिंग करना है, ऐसे आपको आप अच्छे से पहले आप आउटलाइन करिएगा। अगर आपके आपको इसके अंदर शेडिंग देनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप व्हाइट कलर भी ले सकते हैं और व्हाइट कलर से उसका आप शेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स कंप्लीटली योर विश, आप उसको और कितना ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आप उसकी आउटलाइनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि आउटलाइनिंग करने से ना क्या होता है, वो कलर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो वो विजिबल हो जाता है हमें और अच्छे से। ट्रेसिंग जब आप करिएगा ना, ट्रेसिंग बहुत अच्छे से करना, अगर आपकी ट्रेसिंग आपको दिख नहीं रही होगी ना तो आपको जो आप कलरिंग कर रहे हो ना वो करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ट्रेसिंग आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, ट्रेसिंग अच्छे से होगी तो आप उसके अंदर कलरिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, एंड देन वी हैव टू फिल इट। अब आपको फिल कैसे करना है, एज आई टोल्ड यू आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप इसको सिंपल पिंक कर सकते हो पूरा, या फिर आप थोड़ी सी शेडिंग दे सकते हो। सो शेडिंग के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू टेक व्हाइट। ठीक है, व्हाइट कलर हम लेकर थोड़ा थोड़ा व्हाइट का टिंच देकर हम शेडिंग कर सकते हैं। सो लेट मी टेक व्हाइट इन पैलेट। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ी सी शेडिंग बता देती हूँ कि शेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप शेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप शेडिंग नहीं करना चाहते हैं सो दैट्स ओके। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना कि सबको अभी शेडिंग नहीं आती है और एकदम से आप ट्राई नहीं कर पाओगे ना, तो आप पहले रफ पे जरूर ट्राई करना, एक बार नई चीज होती है ना तो एक बार ट्राई जरूर किया करो। ठीक है, नाउ आई जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ व्हाइट, मैंने जो पिंक कलर लिया हुआ था ना अपने ब्रश में उसी के टिप पर मैंने व्हाइट को लिया एंड आई जस्ट स्प्रेड इट ऐसे, तो क्या होगा देखो, अब मेरा कलर डार्क और लाइट आ जाएगा बीच में, और जो सेंट और जो मैंने आउटलाइनिंग करी थी वो डार्क पिंक करी थी ना, सैल्मन पिंक। ठीक है, और बीच में लाइट कलर आ गया, सो दिस इज शेडिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा टिप पर व्हाइट लीजिएगा और आपने पहले आपने जो शेड पिंक किया था वहां से आप नीचे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप ऐसे ब्रश को करिएगा तो अपने आप ही आपका डार्क और लाइट पिंक आता रहेगा। दिस इज शेडिंग, वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत सुंदर लगती है कि आपने शेडिंग किया है, जस्ट सी। ठीक है, ऐसे करके आपको पूरा फ्लावर कंप्लीट कर देना, कहीं पर डार्क कलर आएंगे कहीं पर लाइट कलर्स आएंगे तो ये बहुत ही प्रिटी लगता है।
ठीक है, जहां जहां पर बीच बीच में लाइंस लगानी है हमें ब्लैक से, मैं आपको वो सब भी जहां जहां कलर ड्राई होते रहेंगे ना वो मैं आपको बताती रहूंगी, सो दैट आपको मैं लेफ्ट पार्ट बता दूंगी और राइट पार्ट आप खुद से कर पाएंगे. स्टिल इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम ना, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, आई विल असिस्ट यू. सो देखिए कहीं पर मेरा व्हाइट ज्यादा आ रहा है, कहीं पर पिंक ज्यादा आ रहा है, सो वो अपना भी कलर आप लेते रहिए टिप पर, क्योंकि ब्रश में ऑलरेडी पिंक है और प्लस जो मैंने आउटलाइनिंग करी थी वो भी पिंक थी, तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ब्रश पर टिप पर उसके व्हाइट कलर लेती जा रही हूँ, एंड आई एम डूइंग शेडिंग लाइक दिस. सो अपना भी शेड आ रहा है, मेरे को देखो मैंने सिर्फ टिप पर कलर लिया है और वो शेडिंग अपना भी उसकी आ रही है. सो दिस इज वेरी वेरी इजी, आप इसको एक बार रफ में जरूर जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो फ्लावर बनाएंगे ना इस पेंटिंग में, आप उसके अंदर ऐसे शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली यहाँ नीचे कर देती हूँ. अब आप देखिए मैंने लीफ जो इसकी बनाई है, ठीक है, लीव्स के अंदर मैंने कलर किया हुआ है, दिस इज सैप ग्रीन, ठीक है. अब सैप ग्रीन आप कलर ऐसे करिएगा जैसे मैंने बताया है, ठीक है. अगर आप इसके अंदर भी शेडिंग देना चाहते हैं आप बिल्कुल शेडिंग दे सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते सो जस्ट लीव इट लाइक दिस. इसके अंदर जो अब हमें काम करना है ब्लैक से, मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है. मैंने कुछ कुछ पार्ट पर पेंटिंग की हुई है पहले से ही, बिकॉज मैं चाहती थी कि क्लास के अंदर मैं सारे आपको पैटर्न्स एक बार बता दूंगी, जहां जहां पर हमने शेडिंग करना है, जहां पर हमने कलर फिल करना है, ठीक है. ऐसे डार्क लाइट कलर्स आपके आ जाएंगे, हमने थोड़ा सा मर्ज कर दिया, सी हाउ इट इज लुकिंग, ठीक है. नाउ दिस वन द स्टेम, ठीक है, आई डू द स्टेम विथ ब्राउन कलर. सो अगेन यू हैव टू वॉश द ब्रश, आप ब्रश को वॉश कर सकते हैं या आप दूसरा ब्रश ले सकते हैं, एंड देन जस्ट कलर द स्टेम विथ ब्राउन कलर. ब्राउन के अंदर डार्क ब्राउन भी आता है, लाइट ब्राउन भी आता है, सो वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आप डार्क लेना चाहते हैं ब्राउन या लाइट लेना चाहते हैं, ठीक है. एंड द ब्राउन व्हाट आई एम यूजिंग दिस इज डार्क ब्राउन. जो जो कलर्स आपको अच्छे लगते हैं ना आप पेंटिंग्स में वो कलर कर लिया करो, वो बहुत सुंदर लगेगा आपको, क्योंकि आपके फेवरेट कलर्स हो जाएंगे और आपकी पेंटिंग आपके फेवरेट कलर से बन जाएगी. नाउ वंस वी आर डन विद दिस, व्हाट वी विल डू फॉर फेस. अब फेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इफ यू वांट आप जो लेमन येलो आता है ना आप लेमन येलो फेस के अंदर कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो सेलमन पिंक है इसको बिल्कुल लाइट कर आप वो कलर यूज कर सकते हैं. लाइट कैसे होता है कलर, सेलमन पिंक के अंदर आप व्हाइट कलर मिक्स करिएगा तो वो लाइट पिंक बन जाता है. नाउ द थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज जो अभी हमने ब्राउन यूज किया है ना, आप लाइट ब्राउन भी यूज कर सकते हैं. ब्राउन के अंदर अब हम व्हाइट को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ब्राउन के अंदर व्हाइट को मिक्स कर रहे हैं जिससे कि अब हमें फेस को कवर करना है. फेस के अंदर देखो हमने पहले से ना आउटलाइन किया हुआ है, वो आउटलाइन इसीलिए किया था क्योंकि अगर मैं पूरे को, अगर जैसे मैंने फ्लावर को पूरा फिल कर दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आउटलाइन कर सकती हूँ और रैंडमली मुझे जो भी डिजाइन बनाना है मैं बना सकती हूँ, बट फेस के अंदर जो इसके एक्सप्रेशन, जो इसके फीचर्स होते हैं, आप जब एक बार अपनी ट्रेसिंग हटा देते हो तो आप सेम तो नहीं कर सकते ना ट्रेस उसके ऊपर, तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही ब्लैक से उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं और अब जो हमें कलर करना है इसके साइड्स में कलर करना है, ठीक है, जिससे कि अगर हमारा ब्लैक थोड़ा खराब भी हो जाएगा हम उसको बाद में नीट कर सकते हैं. सो व्हाट आई विल डू, पैलेट के अंदर आई हैव टेकन दिस वाइट, ठीक है, वाइट के अंदर बहुत थोड़ा सा हमें ब्राउन मिक्स करना है, ज्यादा ब्राउन नहीं मिक्स करेंगे, जस्ट अ पिंच, ठीक है. बस मैंने जो मेरा ब्रश है 0 नंबर का ब्रश है, ठीक है, इस ब्रश से मैंने एक ही बार अभी ब्राउन कलर लिया था और मैं उसको मिक्स कर रही हूँ व्हाइट के अंदर. दिस विल बी वेरी 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 लाइट कलर, ठीक है. आप थोड़ा सा अगर हम इसको डार्क करना है ना, थोड़ा सा हम ब्राउन को और लेंगे एंड देन जस्ट मिक्स इट. आप हमेशा जब भी कलर मिक्सिंग करते हैं ना प्लीज
बिल्कुल कम कम कलर लीजिएगा, एकदम से आपको ज्यादा कलर्स नहीं लेना है, ठीक है? नहीं तो वो क्या होगा ना, वो फिर से डार्क हो जाएगा, और हमें बहुत ज्यादा डार्क नहीं चाहिए, राइट? तो इसके अंदर एज आई टोल्ड यू कि आपको फेस के अंदर आप दो तीन कलर्स के मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, आप लेमन येलो कर सकते हैं, आप पिंक कर सकते हैं, और ये ब्राउन आई एम यूजिंग, आप इसको ब्राउन और व्हाइट को मिक्स करके कर सकते हैं, तो आपका ये स्किन शेड बन जाता है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, ऊपर से लाइक दिस, हमें इसे आउटलाइनिंग करनी है सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जब आप आउटलाइनिंग कर लेते हैं ना, आउटलाइनिंग करने के बाद अंदर जो कलर की फिलिंग करना है वो बहुत इजी हो जाता है। कलर्स आप कोई भी ले सकते हो, डार्क लाइट जो भी आपका मन कर रहा है, पिंक ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, इस जो ब्राउन मैंने बनाया है इसको थोड़ा सा आप और डार्क भी बना सकते हैं, ठीक है? मैं आपको एक और पेंटिंग जो मेरी रेडी पेंटिंग है उसके अंदर मैंने लेमन येलो कलर लिया था, सो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। डिफरेंट कलर्स जो होते हैं ना उनके डिफरेंट ही इफेक्ट आते हैं, और डिफरेंट ही उनकी लुक आ जाती है पेंटिंग के अंदर। आप डार्क ब्राउन भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल डार्क अगर आप उसके अंदर मिक्स नहीं करते ना व्हाइट को, तो भी वो जो कलर आता है ना वो बहुत ही सुंदर लगता है। आप आउटलाइनिंग करते जाइएगा, एंड देन जहां पर भी आपके कलर्स हैं ये स्पेस का फिल करते जाइएगा। ऑन कवरिंग आईज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है? ब्रश को बहुत आराम से पकड़ेगा, एंड वेरी केयरफुल आपको कलर करना है। इफ योर ड्रॉइंग इज गुड ना, आप क्या कर सकते हैं, आप पहले पूरे फेस के अंदर कलर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसके जो फीचर्स हैं। आप इसके अंदर सिंपल एक नॉर्मल व्हाइट कलर भी ले सकते थे फेस के अंदर, ठीक है? एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशंस रहते हैं, बहुत सारे कलर्स की चॉइसेस रहती है, तो आपको जो भी कलर करना है आप वो कलर यूज कर सकते हैं। येलो मैंने अपनी पेंटिंग में बना लिया था, एक मैंने पेंटिंग बनाई थी उसके अंदर मैंने पिंक का शेड दिया था, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, सो दिस टाइम आई थॉट टू गिव दिस कलर, ठीक है? जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंटली काम करना है, ठीक है? जिससे कि आपकी जो भी आप पेंटिंग बनाएंगे ना वो नीट बनेगी। आई जस्ट टर्न इट, अब देखो आईज के ऊपर करना है ना, सो दिस एरिया इज वेरी थिन, बहुत नेरो है, तो मैं यहाँ पर आईज को मैंने थोड़ा सा इसको जो कैनवस है उसको मैंने थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। आई एम मेकिंग ऑन कैनवस पैड, ठीक है? आप कैनवस पर भी बना सकते हैं, आप इसको कार्डबोर्ड पर भी बना सकते हो, ठीक है? लाइक सो दिस इज फेस, अब फेस के साथ ही ये दिस इज नेक, ठीक है? आई कैन डू द सेम कलर ओवर हेयर एज वेल। ठीक है, जब हम कलरिंग कर लेंगे ना, तो ऐसे आपको सारे को अच्छे से फिल करना है। फिल करने के बाद आई विल टेल यू कि हमें जो ब्लैक कलर करना है वो हमें यूज कैसे करना है। सो आई एम डन विद दिस पार्ट, ठीक है? अगर आपको बाद में लगेगा तो आप इसके अंदर सेकेंड कोट अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सेकेंड कोट कर सकते हैं, ठीक है? नाउ आई एम डन विद दिस पार्ट, नाउ द सेकेंड थिंग आई एम टेलिंग यू,
सेकेंड अब मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर, ठीक है, आई एम टेकिंग एक्रेलिक ब्लैक कलर नंबर 202। इस कलर से वी विल डू द आउटलाइनिंग पार्ट। तो आपको जीरो नंबर आप ब्रश ले सकते हैं, ठीक है, आप अगर जीरो नंबर से अगर आप अभी कंफर्टेबल नहीं है तो आप टू नंबर ले सकते हो। सो ऑलवेज ऑलवेज शेक द बॉटल बिफोर वर्किंग, क्योंकि क्या होता है ना, इसके अंदर आप अगर अच्छे से शेक नहीं करोगे तो कलर मिक्स नहीं होता है। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मैं आपको ऊपर से यहाँ से डिजाइनिंग बता देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। सो ये जो मैंने इसकी कैप बनाई है गर्ल की, ठीक है, हियर यू कैन यूज एनी कलर, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। कैप के अंदर जो डिजाइनिंग करना है आई विल शो यू। पहले तो हमें जो बेसिक जो कलर होता है हमने वो रेड कलर कर दिया। रेड कलर करने के बाद, ठीक है, उसके बाद ही हमें जो कलर करना है ब्लैक से, सो विल डू दिस, लेट मी सी, इट्स ड्राई नाउ, ठीक है। आप ये प्लीज चेक करते रहिएगा कि आपकी पेंटिंग ड्राई हो गई है कि नहीं, क्योंकि अगर वो ड्राई नहीं हुई है ना तो उसके ऊपर अगर आप कलर करोगे तो आपकी पेंटिंग खराब हो जाएगी। सो आई एम जस्ट मार्किंग द लाइन। इफ यू वॉन्ट आप पहले स्केल या पेंसिल आप ले सकते हैं, आप उससे मार्क कर सकते हैं लाइन, ठीक है, एंड देन आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से डिजाइन से हम छोटी 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 लाइंस लगाते रहेंगे। सो विल स्टार्ट विद दिस कॉर्नर, ये सबसे बिग लाइन होगी, देन अब इसे थोड़ी सी हम स्मॉल लाइन लेंगे थोड़े से गैप पर, देन नेक्स्ट लाइन, थोड़े थोड़े गैप पर हम थोड़े थोड़े साइज छोटा करते रहेंगे लाइंस का। जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली वी हैव टू डू लाइंस इन ऑल द थ्री, ठीक है। अगर आप इनको साइज को छोटा नहीं करना चाहते हैं तो जितनी आपका यहाँ पर बॉक्स आ रहा है, मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ, आप इसको पूरी लाइन ले सकते हैं पूरा ऊपर तक। तो पैटर्न्स जो बनाने हैं ना वो कम्प्लीटली आपके विषय के, आप कौन सा पैटर्न इसके बीच में बनाना चाहते हो, ठीक है। पेंटिंग को ना हमेशा से इंजॉय कर बनाया करो, ये मत सोच कर बनाया करो कि ऐसा बनाना है, बिल्कुल एंजॉय करो और एंजॉय कर पेंटिंग्स बनाओ, ठीक है। नाउ बाकी सब में अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डू आउटलाइनिंग। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप आउटलाइन कर रहे हो, ठीक है। सो लेट मी डू द आउटलाइन ऑफ दिस लीफ। ब्रश को ना देखिए, अब अभी लेट मी शो यू, आपका ब्रश क्या होता है ना, जब हम वर्क करते हैं तो बार 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 जब हम कलर लगाते हैं ना ब्रश के ऊपर, सो जस्ट सी द टिप, आई होप इट इज विजिबल, ठीक है। आप टिप को देखिए, वो ना थोड़ी सी ज्यादा कलर उस पर आ जाता है तो यहाँ पे ना कलर ड्राई हो जाता है, आई होप इट इज विजिबल, है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी आप पेंटिंग कर रहे हैं जस्ट मेक श्योर आप बीच बीच में, चाहे आप सेम ही कलर यूज कर रहे हो बट आप बीच बीच में ना ब्रश को क्लीन करते रहिएगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट क्लीनिंग द ब्रश नाउ। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप डिफरेंट कलर यूज कर रहे हो ना सिर्फ तभी ब्रश की टिप को क्लीन करना है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रश की टिप को आप हमेशा से बीच बीच में क्लीन करते रहिए, जिससे कि आप जब पेंटिंग कर रहे हो ना वो एकदम नीट बनती रहे, ठीक है। तो नाउ द ब्रश इज फ्रेश अगेन, ठीक है। अब मैं लीव्स के ऊपर वर्क कर रही हूँ, सबसे पहले मैं लीव्स की आउटलाइन करूंगी। If you are good in, you know, working with 3D outliner, ठीक है, आप 3D outliner से भी outline कर सकते हो, वो completely आपके विषय कि आपको 3D outliner use करना है या फिर आप acrylic color use कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो इससे पहले एक painting बनाई हुई है उसके अंदर मैंने 3D outliner को use किया हुआ है,
प्रोसेस सेम रहेगा आपको। सबसे पहले तो आपको बेस जो कलर मैंने जैसे किया है क्रेलिक से आपको वैसे करना है, उसके बाद आउटलाइनिंग जो है वो आपको ब्लैक से करनी है, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या किया, लीव की मैंने आउटलाइन कर दी। आप अगर देखोगे जो हमने नेट से डाउनलोड किया था डिजाइन, ठीक है, इस डिजाइन के अंदर लीव्स के अंदर ऐसे डिजाइनिंग बनी हुई है, ठीक है, बट जब हमने कलर किया तो क्या हुआ, वो विजिबल नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम रैंडमली अपने अकॉर्डिंगली जैसा हमें बनाना है हम वैसे लीव्स बना सकते हैं। एज आई टोल्ड यू ना कि हमें बिल्कुल हमारी मर्जी है कि हम अंदर बाहर हमें कैसा उसके अंदर कलरिंग या कौन सा डिजाइन देना है वो हम कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली मेक, लेट मी मेक एन इजी वन वन, आई एम जस्ट मेकिंग लाइन्स, ठीक है, मैं ऐसे सिंपल लाइन्स लगा रही हूँ। लेट मी मेक फाइव, आप फाइव लगा सकते हैं, आप सिक्स लगा सकते हैं, तो लेट मी मेक सिक्स, ठीक है। और इसको लगाने के बाद ना मैं इसके टिप्स पर आई जस्ट पुट डॉट, सो उससे क्या होगा वो और ज्यादा सुंदर लगेगी, लाइक ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया, हमने पहले नॉर्मल जो कलर था पूरे में कलर फिल कर दिया, कलर फिल करने के बाद फिर हमने इसके अंदर वर्क किया है, ठीक है। आपको ऐसे करना है, पहले ऐसे से कलर फिल कर लीजिएगा और उसके बाद आप अंदर उसके कलर कर सकते हैं। सिमिलरली लेफ्ट लीफ पर भी आपको ऐसे करना है। देन देयर इज वन डिजाइन, आप यहाँ पर एक डिजाइन देख रहे हैं, तो मैं सिंपल इसको सिर्फ ब्लैक से विल सिंपली डू द आउटलाइनिंग, ठीक है, हमें और इसके अंदर कुछ नहीं करना है। तो जहां जहां पर जरूरत है वहां हम कलर करेंगे, जहां जरूरत नहीं लगती है वहां कलर हम नहीं करेंगे। ब्रश को नीट करते रहिएगा। ब्रश अगर आपका क्लीन होगा ना तो आप जो भी वर्क करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका नीट आएगा। अगर आपका ब्रश से आगे से कलर ड्राई हो जाएगा ना और आप बीच में उसको वॉश नहीं करोगे तो आपकी पेंटिंग भी थोड़ी सी नीट नहीं आएगी। सो व्हाट आई डू, अभी मैंने सिंपल एक पहले एक सिंपल लाइन लगा दी है, ठीक है। अब मैं इसी लाइन को मैं डबलिंग कर दूंगी। थोड़ा सा डबल करने से क्या होगा, ये जो हमारी लाइन थोड़ी सी कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो जाती है ना वो नीट हो जाती है। तो आप भी ऐसे करिएगा, सबसे पहले आपको सिंपल एक लाइन पहले आपको लगानी है और फिर उस लाइन के ऊपर आपको उसके साथ साथ में आपको लाइन दूसरी भी लगानी है, जिससे कि आपका जो भी आपका डिजाइन वाली लाइन है वो क्लीन होती रहे, नीट आती रहे। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ये जो हमने फेस किया था, ठीक है, फेस जो हमने किया था हमें फेस की भी आउटलाइनिंग करनी है और जितना भी डिजाइन है उस सब की आउटलाइनिंग करनी है, बट उससे पहले उस सब के अंदर हमें कलर फिल करने हैं, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू आईज, अब हम आईज के अंदर क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक लाइट ब्लू, आईज के अंदर लाइट ब्लू भी अच्छा लगता है, ठीक है, सो आई एम टेकिंग लाइट ब्लू। दिस पेंटिंग इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली योर इमेजिनेशन, सो आप अपने इमेजिनेशन से आपको जो भी कलर करना है ना आप वो फिल कर सकते हैं, वो जितनी आपकी पेंटिंग ब्राइट बनेगी ना उतनी ही अच्छी लगेगी, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, देखो इसके अंदर मैंने ना ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग पहले से ही दी हुई है, ठीक है, सो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब मैं उसके अंदर कलरिंग करूंगी। Do the outlining.
है, जहां जहां पर भी आपको लगता है ना, जिन जिन कलर्स पर भी आपको डबल कोटिंग करनी है, तो डबल कोट आपको सिर्फ और सिर्फ तब करना है जब आपका फर्स्ट कलर ड्राई हो जाएगा। जब तक वो ड्राई नहीं होगा ना, तब तक आपको सेकेंड कोटिंग नहीं करना है, ठीक है। देखिए मैंने ब्लू कलर यहाँ ऊपर किया था, ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। सो इफ आई वॉन्ट, ये सेम कलर था लाइट ब्लू, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसके सेकेंड कोट कर सकती हूँ अगर ये वेट होता अभी, ठीक है। फर्स्ट कोट अगर मेरा गीला होता ना, तो क्या होता, बेस उसका अभी भी नजर आता। मैं अगर सेकेंड कोट भी कर देती ना, तो फर्स्ट कोट भी उतर जाता है। सो इसलिए हमेशा से आपको क्या करना है, फर्स्ट कोट जब ड्राई हो जाएगा, सिर्फ तभी आपको सेकेंड कोट करना है। ये चीज आप हमेशा से ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि नहीं, पेंटिंग फटाफट फटाफट बन जाएगी और हम इसको फर्स्ट कोट के साथ साथ ही दूसरा कर देते हैं, फिर उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। सो यू ऑलवेज यू हैव टू वेट। नाउ अब हमने इसके जो लिप्स बनाए हैं, ठीक है, लिप्स के अंदर आई विल डू रेड। दिस इज एक्रेलिक रेड क्रिम्सन नंबर 4, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि जब भी हम लोग अपने एक्रेलिक कलर्स को यूज करते हैं, आपको यूज करने से पहले उसको अच्छे से शेक करना है। जहां जहां आपने आउटलाइनिंग करी है ना, आउटलाइनिंग के बिल्कुल अंदर अंदर आपको कलर करना है। तो अब आपको ऐसे ग्रीन में और जहां जहां पर भी, अब जो भी कलर्स आपके पेंडिंग है, आप उस सब कलर्स को आप फिल कर सकते हैं, और ऐसे करके आपकी पेंटिंग ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जब भी हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है, पेंटिंग के कंप्लीट होने के बाद हमें वॉर्निश करनी होती है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप वॉर्निश नहीं करेंगे तो हमारे जो पेंटिंग के कलर्स है ना, वो खराब हो सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब वो ड्राई हो जाती है अच्छे से, सो उसके बाद और हम उसके ऊपर वॉर्निश कर देते हैं। वॉर्निश आपको कोई भी जहां पर एशियन पेंट्स मिलते हैं ना, आप उनसे जाकर आप वॉर्निश ले सकते हैं। क्लियर वॉर्निश आप बोलिए उनको कि वुड फ्री क्लियर वॉर्निश दे देंगे, ग्लॉस वाली, ठीक है। सो जो हम पेंटिंग्स पे यूज करते हैं, सो नाउ लेट मी शो यू। जो मैंने अपने आप से एक पहले ही पीस रेडी रखा हुआ है, ठीक है, लेट मी शो यू, दिस इज द फाइनल आर्टिकल। आई होप इट इज विजिबल, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आर्टिकल। आप इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले सकते हैं। एज आई टोल्ड यू ना, देखो मैंने येलो कलर लिया था यहाँ पे, दिस इज लेमन येलो। आईज के अंदर मैंने व्हाइट एंड ब्लू लिया है, यहाँ पर पिंक ग्रीन रेड। सो आप ऐसे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। ये वाला जो मैंने फ्लावर बनाया था, इस फ्लावर के अंदर मैंने शेडिंग नहीं दी थी, बट जो भी मैंने आपको सिखाया है, इसके अंदर मैंने आपको विद शेडिंग सिखाया है, ठीक है। सो आपको ऐसे करना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है, जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप करना चाहते हैं, आपको कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। एंड यस यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और कुछ भी डाउट होते हैं मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको बेस जो कलर्स हैं आपको कलर करने हैं, कलर करने के बाद ही आपको ब्लैक कलर से करना है। आप इसके अंदर देखो, मैंने इसके अंदर 3D आउटलाइनर यूज किया था ब्लैक, ठीक है। इफ यू वांट आप 3D आउटलाइनर से वर्क कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट आप एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं, ब्लैक एक्रेलिक। ऑलराइट, ओके देन, बाय, टेक केयर ऑल। और जो भी सबमिशंस हैं, आप साथ साथ आप मुझे इवन जो इनकम्प्लीट वर्क है, ठीक है, जितना भी आपका होता जाता है, आप थोड़ा थोड़ा वर्क करके आप मेरे पास शेयर कर सकते हैं पिक्चर्स। ओके देन, सी यू टुमारो, एंड वेटिंग फॉर योर स्वीट 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 सबमिशंस। टेक केयर, बाय बाय।